Hello guys, welcome back to my channel. First of all, thank you so much guys for your love and support, and it's only because of you guys that I am able to cross 1.2k, and I'm looking forward for the same support from you guys in future also. So please share my video as much as you can and just subscribe it if you have not. So let's start with the cue card. Aur ab jo main cue card start karne ja rahi hu, ye makkad PDF jo new aaya, that is from September to December, ye wo wale cue cards hain. So if you don't have this PDF, I can upload it, aur main isko alag se PDF mein upload kar dungi. So you can see, go over there and can see from it. So start karte hain aaj ka hamara pehla cue card. So the first cue card is talk about an interesting conversation. So कोई interesting conversation जो है उसके बारे में हमने explain करना है इस cue card में. Who was the person? When and where did you have the conversation? And what was the conversation about? So कौन सा वो person है जिसके साथ आपकी conversation हुई? Conversation जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ. Conversation means बातचीत, interaction. So वो conversation जो है आपकी कब हुई और कहाँ पे हुई? What was the conversation about? And we have to describe the subject of the conversation in the last question. So let's start with the beginning lines. Before beginning lines, मैं again दोबारा आपको एक चीज़ clear कर रही हूँ कि ये जो idea है that is unique from others. जो normally बंदे बात करते हैं वो इस cue card में करते हैं कि कोई हम travelling history के बारे में, मतलब travel कर रहे थे, वहाँ पे कोई person हमें मिला, उनके साथ हमारी conversation हुई, and this is a very old idea which the examiner I guess बिल्कुल पसंद नहीं करेगा इस चीज को. So ये idea थोड़ा अलग है उन सब से. So let's start. It so happens in most of the cases that sometimes we just commence a trivial talk and then end up having an amazing conversation with someone. So ये most of the cases में ये चीज होती है कि कुछ कई बार क्या होता है कि हम कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट. हम एक छोटी बातचीत, ट्रिवियल मतलब छोटी, स्मॉल, हम एक स्मॉल टॉक जो है वो स्टार्ट करते हैं और वही टॉक जो है वो हमारी एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन में जो है वो चेंज हो जाती है, टर्न हो जाती है. द रीजन बींग इज म्यूचुअल इंटरेस्ट. म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन. सो इसका रीजन क्या हो सकता है? कॉमन इंटरेस्ट और समटाइम्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट स्ट्राइक्स टू द माइंड. सो उसका रीजन एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है टॉपिक का और एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है. सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद होम, जो भी आपने आगे बोलना है, मतलब आगे उसमें से भी आ सकता था क्यू कार्ड में से. और इंटरेस्टिंग की जगह आप इसमें उसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, लाइक वी कैन यूज द वर्ड कैप्टिवेटिंग, वी कैन यूज द वर्ड इंथ्रालिंग, इंट्रीग्यूइंग. सो ये मैंने आगे यूज भी कराया है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. सो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. द पर्सन विद होम आई हैड एन इंथ्रेलिंग कॉन्वर्जेशन. इंथ्रेलिंग मैंने अभी बताया, इंटरेस्टिंग की जगह हम ये सिनोनिम यूज कर सकते हैं. रिजाइड्स नेक्स्ट डोर टू अस. रिजाइड्स का मतलब होता है रहता है. सो वो पर्सन जिसके साथ मेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुई थी वो मेरे नेक्स्ट डोर ही रहता है, मतलब वो सॉर्ट ऑफ मेरा नेबर ही हुआ. His name is this. You can mention here the relation, like आप बता सकते हो कि वो मेरे अंकल हैं, फ्रेंड है, जो भी आपने बोलना है. एक्चुअली ही इज अ बिजनेस मैन बाई प्रोफेशन. सो वो एक बिजनेस मैन है, उसका ये प्रोफेशन है. ड्यूरिंग माई वीकेंड्स आई यूजली विजिट हिम टू हैव सम चिट चैट एज आई हैव अ वेरी गुड रेपट विद हिम. इट्स RAPPORT. रेपट का मतलब होता है बहुत बनती है जिसके साथ हमारी. सो मेरे वीकेंड्स में मैं उसके घर जाता हूँ यूजली चिट चैट करने के लिए, क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत अच्छी, मतलब बहुत बनती है मेरी उसके साथ, बहुत अच्छा मेरा उसके साथ रिलेशन है. मोर ओवर आई नेवर फील रिलक्टेंट टू टॉक विद हिम एज ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. सो आई ऑल्सो लाइक टू शेयर माई सीक्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स विद हिम. मोर ओवर मेरे को कभी भी रिलक्टेंट फील नहीं हुआ. रिलक्टेंट का मतलब होता है मेरे को कभी भी हेजिटेशन नहीं हुई उसके साथ बातचीत करने में. बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. मैन ऑफ हिज वर्ड इज बेसिकली एन idiom, जिसका मतलब होता है वो बंदा जिसके ऊपर हम इजिली ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है. idiom है. सो इसीलिए मैं अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं उसके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ या करती हूँ, और प्रॉब्लम्स भी. लाइकवाइज अ कपल ऑफ वीक्स अगो व्हेन आई विजिटेड हिम वी हैड एन एनक्लोजिंग कॉन्वर्जेशन अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस. लाइकवाइज का मतलब होता है उसी तरह
एक कपल ऑफ वीक्स पहले मैं उसके घर गया एंड हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन हुई. एंग्रोसिंग अगेन सिनोनिम है जिसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन हुई अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए, खर्चे को कैसे मैनेज किया जाए. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. After greeting each other, he offered me a cup of tea and asked me that how my life was going on. So that's how the conversation began. यहाँ पे मैंने conversation की एक sort of starting करी है कि एक दूसरे को greet करने के बाद उसने मेरे को एक cup of tea offer करी और मेरे से पूछा कि मेरी life कैसे चल रही है. Normally ऐसे होता ही है कि हर बंदा पूछता ही है. So that's how the conversation began. इसी तरीके से हमारी conversation जो है वो शुरू हुई. Basically, those day I was confronting financial barriers as well as there was a huge disorganization in my expenses. Basically, उन दिनों में I was confronting होता है facing financial barriers मतलब difficulties, मुश्किलें. So उन दिनों मैं financial barriers जो थे वो face कर रहा था और मेरी जो डिसऑर्गेनाइजेशन मेरे एक्सपेंसेस की, खर्चों की बड़ी डिसऑर्गेनाइजेशन थी. डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होते थे मेरे एक्सपेंसेस, खर्चे मेरे से. आई टोल्ड हिम द होल सिनेरियो ऑफ माय प्रॉब्लम एंड ही वाज लिसनिंग अटेंटिवली. मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम का सारा सिनेरियो बताया और वो बहुत अटेंटिव होकर उस चीज़ को सुन रहा था. बिसाइड्स इसके अलावा कनेक्टर है. I also told him that I was accustomed of का मतलब होता है आदत होना, habitual of. I told him कि मेरे को ये भी आदत है. किसकी? Playing ducks and drakes एक idiom है जिसका मतलब होता है to spend money lavishly, बिना पैसे जो है फिजूल खर्ची करनी. Playing ducks and drakes. So मेरे को जो बहुत फिजूल खर्ची करने की आदत थी and as a repercussion of this habit, repercussion का मतलब होता है इसका नतीजा, result, negative result of something. So इसका नतीजा क्या निकलता था, I was always having a destitute of money. Destitute का मतलब होता है lack of money. मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी. ठीक है. As he is a businessman, so he was having a profound comprehension about managing expenses. So मैंने जैसे आपको बताया ही है कि वो एक बिजनेसमैन था, सो उसके पास एक प्रोफाउंड कॉम्प्रीहेंशन थी. प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस. सो उसके पास एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे एक्सपेंसेस को, खर्चों को मैनेज किया जाए. सो ही टोल्ड मी टू सेव 10% ऑफ माई पॉकेट मनी स्लैश सैलरी एवरी मंथ. सैलरी या पॉकेट मनी जो भी आपने लिखना है, अगर आप अर्न करते हो यू कैन मेंशन अबाउट सैलरी एंड इफ यू आर नॉट अर्निंग यू कैन मेंशन अबाउट पॉकेट मनी. सो उसने मुझे कहा कि मैं 10% अपनी पॉकेट मनी या सैलरी का सेव करूं हर मंथ रिगार्डलेस ऑफ माय एक्सपेंसेस. रिगार्डलेस मतलब डिस्पाइट ऑफ माय एक्सपेंसेस के बावजूद. अपार्ट फ्रॉम दिस ही देन शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद मी. इसके अलावा उसने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया दैट इनिशियली वॉज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा वेजेंट पर्सन. इनिशियली शुरू में वो भी एक बहुत ही एक्स्ट्रा वेजेंट पर्सन था. एक्स्ट्रा वेजेंट होता है बहुत खर्चीला पर्सन था. बट वेन ही एंटर्ड इन टू बिजनेस, बट जब वो बिजनेस में एंटर करा ही इवेंचुअली लर्न द वेज टू मैनेज एक्सपेंसिस. सो उसको इवेंचुअली होता है स्लोली बाय द टाइम फाइनली उसको पता चला, उसने सीखा कि मैनेज कैसे कर सकते हैं हम अपने खर्चों को. Another recommendation that he gave to me was that I should plan my purchases. दूसरी recommendation उसने मुझे क्या दी कि मेरे को अपने purchases को, खर्चों को plan करना चाहिए, chalk out करना चाहिए. The conversation was lasted for 2 hours. Conversation 2 घंटे तक चली. But it was literally very fascinating and I was actively participating in it. लिटरली होता है सचमुच में ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग अगेन इंटरेस्टिंग थी एंड आई वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट. और मैं उसमें पार्टिसिपेट करी थी एक्टिवली बिकॉज ही हैड एन अफेबल वे ऑफ कन्वर्जेशन. अफेबल होता है पोलाइट वे. उसके बातचीत करने का तरीका बहुत पोलाइट था. ही टोल्ड हिज रीजनिंग फॉर हिज बिलीव. उसने अपने बिलीव के लिए, अपने व्यू के लिए अपनी रीजनिंग भी दी, जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दी थी कि उसने पहले वो भी एक्स्ट्रा वेंजन था एंड ऑल. I must say, I learned ample of things from the opinions and experiences. मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा ample of मतलब lot of things जो है उसकी opinions और उसके experiences से मैंने सीखी. He shared that day, जो भी उसने उस दिन share करा मेरे साथ, and it really stood for me in a good stead. ये एक idiom है, stood for me in a good stead. इसका मतलब होता है prove to be very useful.
और ये जो चीज़ थी ये कन्वर्जेशन मेरे लिए बहुत यूजफुल प्रूफ हुई. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड. एक चीज़ मैं आपको क्लियर आउट करना चाहती हूँ. आई नो दैट दिस क्यू कार्ड इज़ टू मच लेंथी एंड आप इसको 2 मिनट तक नहीं बोल सकते, 2 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे. बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैं क्यू कार्ड्स की हिंट्स देती हूँ या आइडियाज देती हूँ इज जस्ट एन आइडिया. इसको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने बस यही आइडियाज करने हैं. यू कैन मोल्ड आउट इन इट इन योर लैंग्वेज, यू कैन आई कैन से. और ये जो क्यू कार्ड्स हैं प्लीज़ ये मत बोलना कि मतलब ये ज़्यादा हो गया एंड ऑल. दिस इज ओनली अ हिंट. आप इसको डिस्टॉर्ट ऑफ कर सकते हो, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कट डाउन करनी है यू कैन. सो जरूरी नहीं है कि सारा कंटेंट बोलना आपने. सो दैट्स ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लाइकिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक करना अगर पसंद आई है. थैंक यू सो मच.